चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। दोपहर 3 बजे राजधानी दिल्ली में ये बैठक रखी गई है। बैठक में मणिपुर हिंसा पर चर्चा की जाएगी। मणिपुर में पिछले 1.5 महीने से हिंसा लगातार हो रही है। मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज शाम 3 बजे दिल्ली में ये बैठक है और इसमें इस पर मंथन होगा कि मणिपुर में सामान्य स्थिति लाने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए। हिंसा पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए स्थिति जो है पिछले 1.5 महीने से मणिपुर की विषम हो चुकी है, स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही और इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से बातचीत की और जाना कि आखिर ये स्थिति जो बनी हुई है मणिपुर में उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एक बार फिर से मणिपुर में आखिर कैसे शांति लाई जा सकती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरें जो है मणिपुर की वो आ रही है। फिलहाल आज एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है। हमारे साथ सहयोगी दीपक चौबे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, पिछले 1.5 महीने से मणिपुर में जो स्थिति है वो हम सभी देख रहे हैं, फिलहाल आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है गृह मंत्री की ओर से। जी बिल्कुल चारुल, और लगातार जिस तरीके से मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही थी, उसके बाद खुद गृह मंत्री वहां जाते हैं, 3 दिन तक रहते हैं, उसके बाद वहाँ के DGP को चेंज किया जाता है और आज सबसे बड़ी बात है कि आज सर्वदलीय बैठक है। करीब 3 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी जिसमें विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको भी बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने भी मणिपुर हिंसा को लेकर नाराजगी जताई थी और केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगाया था कि उनसे संभल नहीं पा रहा है। तो आज जब बैठक होगा उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाते हैं, क्या जिस तरीके से लगातार वहाँ पे जो हिंसा हो रही है उसको कैसे रोका जाए, जो सारी पार्टियां उनको कैसे साथ लेके चला जाए, उसको लेकर आज विचार हुआ कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी मणिपुर को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो घटना आ रही है, जिस तरीके से बार बार हत्याएं हो रही है, उसको लेकर आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है चारुल, और वो भी गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है जिसमें सारे विपक्ष के नेता रहेंगे। अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अगर बात की जाए तो जब गृह मंत्री वहां गए थे तो कई जो अगर बात की जाए उग्रवादी थे उन्होंने सरेंडर किया था। उसके बाद मणिपुर के हिंसा को लेकर और भी कई जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने लगातार केंद्र सरकार पर सीधा उंगली उठाई थी कि, और उससे पहले भी अगर बात की जाए तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली आए थे, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, पर कहीं ना कहीं उनसे संभल नहीं पा रहा, ये लगातार विपक्ष का कहना था, उसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है चारू। बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बना भी रहा है और इस मुद्दे को उठा भी रहा है। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज विपक्ष भी शामिल होने वाला है, गृहमंत्री अमित शाह की ओर से ये बैठक रखी गई है। मणिपुर में जो जातीय हिंसा हो रही है उसको लेकर ये बैठक रखी गई है। आपको बताते हैं मैतेई और कुकी समुदाय के बीच टकराव जो है वो मणिपुर में लगातार देखने को मिल रहा है और इसीलिए जातीय हिंसा जो है वहां पर बढ़ गई है। अब तक हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये सरकारी आंकड़े हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत मणिपुर में अब तक हो चुकी है। मणिपुर में 390 लोग अब तक घायल हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि मणिपुर लगातार जल रहा है। आखिर मणिपुर की स्थिति सामान्य कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। हिंसा में गांव के गांव उजड़ चुके हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि आखिर वहां पर स्थिति किस तरह से बनी हुई है, क्योंकि मणिपुर में जो जातीय हिंसा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हिंसा के बाद 2 गुटों में बट गया है मणिपुर और स्थिति को सामान्य करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्योंकि विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बना रहा था। मैतेई मुसलमान और नगा भी हिंसा से प्रभावित हो चुके हैं और ये भी एक वजह मानी जा रही है जिस वजह से हिंसा जो है वो बढ़ रही है। हिंसा से मौत और नुकसान दोनों पक्षों को हुआ है, ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष का नुकसान हो रहा है, दोनों पक्षों को बराबर नुकसान हो रहा है। मौत दोनों पक्षों में लोगों की हो रही है, घायल भी हो रहे हैं। 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं इस वक्त, क्योंकि हमने जिक्र किया कि गांव के गांव उजड़ चुके हैं मणिपुर में जो जातीय हिंसा हो रही है उसमें।
मणिपुर में 200 चर्च जला दिए गए हैं। आप स्थिति देखिए कि हिंसा किस कदर भड़क रही है, बढ़ रही है। 200 चर्च जल चुके हैं, 100 मंदिरों को निशाना बना लिया गया है, गांव के गांव उजड़ गए हैं और दोनों पक्षों को इससे भारी नुकसान हो रहा है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि 1.5 महीने से मणिपुर में जातीय हिंसा जो है वो बढ़ती जा रही है और ये अब एक स्थिति ऐसी बन गई है कि गृह मंत्री अमित शाह को भी बुलानी पड़ी है सर्वदलीय बैठक। लेकिन हिंसा शुरू कैसे हुई? 3 मई को ATS UM ने आदिवासी एकता मार्च यहां पर निकाला था, यानी 3 मई से ये जो स्थिति वो शुरू हुई, रैली चुरचांदपुर के तोरबंग इलाके में निकाली गई थी। 3 मई को रैली का आयोजन जो कि इस इलाके से निकलती है, और रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो जाती है। तो रैली निकाली जाती है जिस दौरान आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो जाती है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले यहां पर दाग दिए, लेकिन जैसे ही आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं उसके बाद स्थिति जो है वो बदलनी शुरू हो जाती है, हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। अब हिंसा की वजह क्या है? आजादी के बाद से कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है वो है। मैतेई हिंदू समुदाय में कुछ को आरक्षण नहीं मिला है। अब कुछ लोग आरक्षण चाहते हैं और जो मैतेई हिंदू समुदाय है उसमें कुछ को आरक्षण नहीं दिया गया है। मैतेई समुदाय के कुछ अनुसूचित जाति बने और कुछ को OBC का दर्जा दिया गया। तो एक ही समुदाय लेकिन कुछ को अनुसूचित जाति बना दिया और कुछ को OBC का दर्जा दिया गया। मैतेई लोग कुकी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ये भी एक वजह है जिसका विरोध किया गया कि आखिर क्यों कुकी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। मैतेई लोग अब जनजाति का दर्जा चाहते हैं, तो मैतेई लोग जो है वो दरअसल चाहते हैं कि जनजाति का उन्हें मुद्दा जो है वो मिल जाए, दर्जा जो है उन्हें वो दे दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात पंजाब की करेंगे। पंजाब के नाभा से ये बड़ी खबर है जहां पर घर में गैस पंजाब के नाभा से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है जहां पर घर में गैस सिलेंडर फट गया है। सिलेंडर फटने से 5 लोग झुलस गए हैं। पंजाब से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है जहां पर घर में अचानक से सिलेंडर फट गया है। सिलेंडर फटने से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पंजाब के नाभा से ये बड़ी खबर है, दर्दनाक हादसा, हालांकि 5 लोग झुलस चुके हैं इसमें। पंजाब के नाभा से है ये बड़ी खबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, हरियाणा के भिवानी में दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से 25 गाय की मौत हो गई है। हरियाणा के भिवानी में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, ट्रेन की चपेट में आने से 25 गाय की मौत हो गई है। एक बड़ी लापरवाही इसमें रही है कि आखिर कैसे ये जो गाय हैं वो पटरी तक पहुंची, क्या वजह रही? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, कनाडा में छात्रों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ट्रेवल एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। कनाडा सीमा सुरक्षा एजेंसी ने उसे गिरफ्तार किया है। 700 छात्रों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। ट्रेवल एजेंट ब्रिजेश मिश्रा पर यह आरोप लगा है। कनाडा सीमा सुरक्षा एजेंसी ने उसे गिरफ्तार किया है। कनाडा में छात्रों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और ट्रैवल एजेंट ब्रिजेश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। कनाडा सीमा सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तार किया है
बड़ी खबर है, 700 छात्रों से धोखाधड़ी का आरोप यहां पर लगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर, रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन पीएम मोदी 27 जून को, वंदे भारत ट्रेन की सौगात। वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी, वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन करेंगे। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा 27 जून को, पीएम वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर दिल्ली के ब्रजपुरी से आ रही है, जहां पर चाकूबाजी की घटना हुई है। मोहम्मद जैद ने राहुल नाम के युवक को चाकू मारा है। दो भाइयों से कहा सुनी के बाद युवक को चाकू मारा गया है। झगड़े में दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर मोहम्मद जैद नाम के युवक ने एक युवक को चाकू से मारा है। असम से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। उन्नीस जिलों के लगभग 4.89 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। खतरे के निशान से अब नदियां ऊपर बह रही हैं। भूस्खलन और बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हो गए हैं। असम में 19 जिले बाढ़ से बेहाल हो गए हैं। खतरे के निशान से ऊपर नदियां बहने लगी हैं। भूस्खलन और बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हो गए हैं। सड़क, घर और दुकानों में पानी घुस चुका है। बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, और पिछले साल भी हमने देखा था किस तरह से स्थिति बनी थी। अब किन किन जिलों में बाढ़ का कहर है? बजाली, बक्सा, बारपेटा, विश्वनाथ, बोंगाईगांव, चिरांग, दरांग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, होजाई, कामरूप, कोकराझार, लखीमपुर, माजुली, नागांव, नलबाड़ी और सोनितपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। ये वो जिले हैं जो बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है।